How to solve a Realme C1 SIM card not working problem. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपको Realme C1 में आपका सिम कार्ड काम नहीं कर रहा है उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो. सिम कार्ड के रिलेटेड जितना भी आपका प्रॉब्लम है, आपको नेटवर्क शो नहीं कर रहा है या फिर जितना भी आपका प्रॉब्लम है उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा. तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि आपने अपना सिम कार्ड को प्रॉपरली आपने इंसर्ट नहीं किया हो, ये हो सकता है, ठीक है. दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपको क्या करना होगा, दूसरा आपको जो है एक बार सेटिंग्स पे जाना है. दोस्तों सेटिंग्स पे जाने से पहले अपना मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करके भी चेक कर लीजिएगा. कभी कभी रीस्टार्ट मारने पर भी हमारा जो नेटवर्क है वो काम कर जाता है, ठीक है. तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर जाना है. यदि आप रिस्टार्ट करने के बाद भी काम नहीं करता है तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर जाना है, और सेटिंग्स पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है. उसके बाद में आपको यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट पे जाना है, और यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट पे जाना है. यहाँ पे सबसे ऊपर रीसेट सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करना है. यहाँ पे यदि पासवर्ड लगाया हुआ है तो भर दीजिए. उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर रीसेट पासवर्ड आपको वहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर रीसेट सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करना है. फिर से दोबारा आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग पर क्लिक कर देना है. आपका सिस्टम का जितना भी सेटिंग्स है वो रीसेट हो जाएगा, चाहे वो कैमरा से लेकर आपका वाईफाई या फिर आपका सिम कार्ड, सारा आपका रीसेट हो जाएगा. उसके बाद में अपना सिम इंसर्ट करके देखिएगा, आपका प्रॉब्लम काम करने लगेगा. यदि दोस्तों फिर भी काम नहीं करता है, 99% तो आपका काम करना चाहिए फिर भी नहीं करता है, तो दोस्तों आपके सॉफ्टवेयर क्रैश होने की वजह से मोबाइल की बॉडी में प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको सिम कार्ड शो नहीं करेगा. वो केस में आपको जाके हार्डवेयर में आपको दिखाना होगा, ठीक है, आपको सर्विस सेंटर में जाके दिखाना होगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है. उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.